हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लैपलास के फॉर्मूले बाय डेफिनेशन कैसे ड्राइव होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो फॉर्मूला है लैपलास ऑफ वन, लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी, ये डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, मीन्स इसका एक बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे ये फॉर्मूले लैपलास के डायरेक्ट ड्राइव है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ लैपलास ऑफ ई रेस टू at, means laplace of e raise to at तो पता है 1 upon s minus a है। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया है, ठीक है, वो देखना है। सो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है laplace का, बाय डेफिनेशन laplace का फॉर्मूला है laplace of function of t। अगर किसी भी फंक्शन का laplace निकालना है तो वो function of s मिलता है, तो वो कैसे मिलता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raise to minus st इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब किसी भी फंक्शन ऑफ टी का, ठीक है, लेप्लास निकाल सकते हैं, उसकी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी और ई रेस टू माइनस एस टी फिक्स है। सो एग्जाम्पल ई रेस टू माइनस ए टी का, सो लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, अगर ई रेस टू ए टी का लेप्लास निकालना है बाई डेफिनेशन फॉर्मूला, ये कैसे आया वो देखना है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी फिक्स है, फंक्शन ऑफ t की जगह पे e रेस टू ए टी है, यहाँ पुट करेंगे e रेस टू ए टी डी टी। फर्स्ट स्टेप, इंडाइसेस के रूल के हिसाब से अगर बेस सेम है, मीन्स यहाँ पे e है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स मर्ज होते हैं, मीन्स अगर एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। 0 टू इन्फिनिटी, बेस सेम है, बेस सिंगल हो गया, पावर्स मर्ज हो गए, मीन्स माइनस एस टी था और इसकी बाय डिफॉल्ट साइन, अगर साइन कहीं नहीं लिखते हैं तो प्लस होती है, इसलिए ये प्लस ए डी। विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी है इसलिए इसमें से टी कॉमन लेना है, मीन्स माइनस एस टी प्लस ए टी में से टी कॉमन लेना है, ई रेस टू टी कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा माइनस एस प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ e raise to a t, इंटीग्रेशन ऑफ e raise to a x फॉर example with respect to x लेते हैं, तो वो होता है e raise to a x upon a, means अगर with respect to x कर रहे हो तो x के साथ जो भी टर्म है वो डिवाइड में आता है। ठीक है, तो जब with respect to t कर रहे हैं तो ये हो गया a, constant means, और with respect to t कर रहे हैं तो ये t है, तो e raise to a t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e raise to as it is means t minus s plus a, e raise to a t का हो जाएगा e raise to a t upon a, means t के साथ जो भी टर्म है, with respect to t कर रहे थे इसलिए t के साथ जो भी टर्म है वो डिवाइड में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा minus s plus a, लिमिट है 0 to infinity, इसलिए यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinity, इसे बोलते हैं अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसकी जगह पुट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे इसलिए टी की जगह, तो जब अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी एड, इन्फिनिटी डिवाइड बाय, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय, एनीथिंग इन्फिनिटी होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन एस माइनस ए पहले कॉमन ले लेता हूँ, मीन्स ई रेस टू टी माइनस एस प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करूंगा, बाहर का कांस्टेंट एज इट इज, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, जब ई रेस टू इन्फिनिटी पुट होगा तो ये बनेगा ई रेस टू इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, एनीथिंग रेस इन टू 0 इज 0, मीन्स यहाँ 0 आएगा तो इस मल्टीप्लीकेशन में पूरा टर्म हो जाएगा 0, एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी इज 0 एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो यहाँ आ गया 0 माइनस 1, मीन्स फाइनली बचा यहाँ पे माइनस 1, सो 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए इंटू माइनस 1, माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑब्वियस है माइनस 1 बाय माइनस एस प्लस ए होगा, माइनस का ये रूल है, ये माइनस सिर्फ एस के साथ है और ये कम एक सिंगल माइनस है, ये माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता,
वन अपॉन, जब माइनस नीचे आएगा तो ये माइनस दोनों की साइन चेंज करेगा, ये एस हो जाएगा पॉजिटिव और ए हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, लैपलास किसका निकाल रहे थे, ई रेस टू ए टी का। सो लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी इज नथिंग बट वन अपॉन एस माइनस ए। सो लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी इज वन अपॉन एस माइनस ए।